प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 एट्थ क्लास मैथ द क्वेश्चन नंबर 7 है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केड़ी प्रॉपर्टी है नीचे जहां हमने ढूंढना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात ही कर रहा है। नंबर वन, जैसे जे -2/5 (3/4) इक्वल टू 3/4 -2/5। इसमें रैशनल नंबर्स को आगे पीछे करके इक्वल किया हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो जहां लिखा हुआ है तो पूरा लिखना तो पूरा ही लिख दो। ये 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो संख्या उतनी रहती, उतना ही रैशनल नंबर रहता, -3/8। तो चाहे 1 को पहले मल्टीप्लाई करो 3/8 से तो -3/8 ही रहेगा। तो ये कौन सी है फिर? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। जैसे 7/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7/3 रहता है ना। 7/3 से मल्टीप्लाई करो तब भी उतना ही। तो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर ये कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड पार्ट, 5/8 इंटू 3/4 +2/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5/8। 3/4 से मल्टीप्लाई हो गया +5/8 (2/3) से। जो बाहर वाला रैशनल नंबर है जब ब्रैकेट खोलते हो तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। पर ये बात याद रखिए, जहां प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। जहां प्लस का है तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसके साथ के क्वेश्चन हमने किए थे, वेरीफाई भी किया था, जे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई भी की थी। जे फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 7 का, -2/7 (5/4) ब्रैकेट क्लोज 7/10। तो -2/7 पहले लिख दिया, 5/4 (7/10) जे ब्रैकेट में है। तो अगर रैशनल नंबर्स को इंटरचेंज करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उतनी ही रहेगी। पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, पहले इसे सॉल्व कर लो दोनों को, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लो। फिफ्थ पार्ट ये है -7/9। तो -7/9 (3/4) इक्वल टू -7/9 (5/10) इक्वल टू, जे -7/9 आ गया बाहर, बीच में है 3/4 -5/10 जहां ब्रैकेट ऐसे। तो जे ऐसे है क्वेश्चन। तो इसने -7/10 सिर्फ फर्क इतना ही है जहां इंटरचेंज करके लिख दिया। हम पहले जे साइड लिखते थे इधर लेफ्ट साइड में तो राइट को इधर लिखते थे, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो -7/9 को कॉमन निकाल के क्या बचा? 3/4 -5/10। बात वही है कि -7/9 को इससे मल्टीप्लाई करो, -7/9 जो बार है ब्रैकेट के 5/10 से भी मल्टीप्लाई होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, वो इधर देख सकते हैं आप। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, ये देखो सब्ट्रैक्शन का। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये नॉट लिखा हुआ है। तो जो नहीं ट्रू, एक्स इंटू वाई जे तो कम्यूटेटिव है, जे एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जे एक्स माइनस वाई जे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, जे ट्रू नहीं है। एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, जे ट्रू नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। तो सी पर टिक लगा लो। इसका मतलब है 3-5 है ना, तो कितना होता है? -2। अगर आप 5-3 करोगे तो 2 आ गया, जो आपस में इक्वल ना हुए, इसलिए ये वैल्यू ट्रू नहीं है। सेकंड पार्ट, 5/8 (4/7) इक्वल टू 4/7 -5/8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, केड़ी प्रॉपर्टी है? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बी पर टिक लगा लो, जो कम्यूटेटिव है।
द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर ए है, ए रैशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो एक ही होगी, तो ए पटिक लगा लो, ए को एक से मल्टीप्लाई करेगा तो ए ही रहेगा। आगे फोर्थ पार्ट, माइनस फाइव बाई एट इंटू थ्री बाय फोर माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू, फिर माइनस फाइव बाय एट इंटू थ्री बाय फोर, जहां फिर माइनस होगा तो फिर ब्रैकेट ऐसे डाली हुई है, फाइव बाय एट माइनस फाइव बाय एट, बीच में ऐसे आप देख लेना बुक में से, इंटू टू बाय थ्री, ऐसे है क्वेश्चन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, माइनस फाइव बटे फाइव बटा एट थ्री बाय फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस फाइव बाय एट टू बाय थ्री से भी मल्टीप्लाई, साइन बीच में माइनस का, तो ये प्रॉपर्टी हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जहां देख लेते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डी पर टिक लगा लो। फिफ्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखा हुआ, जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता वो होती है जीरो, माइनस वन का भी होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता भी उस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वन आ जाए, तो माइनस वन का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन बाय माइनस वन, एक का तो एक बटा एक ही हो गया, तो जीरो का तो होगा नहीं, जीरो की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, सेवन से करो एट से करो नाइन से करो किसी वैल्यू से तो जीरो आता है, तो वन तो आता ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जीरो आंसर है, क्योंकि इसने पूछा डज नॉट हैव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो जीरो ए पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, केड़ा ऐसा नंबर है जिसका अपना मल्टीप्लीकेशन सेम वैल्यू है, जीरो का तो होता नहीं, माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करो कि वन आ जाए, वो तो माइनस वन ही हो गया, एक बटा माइनस वन ऐसे लिखते हैं हम, तो माइनस वन भी लिख सकते हो, तो कितना बना माइनस वन ही आया जी, तो माइनस वन हो गया, एक को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक बटा एक, एक ही होगा, एक वैल्यू आनी चाहिए, तो बी भी है सी भी है, तो आंसर कौन सा आ गया, बोथ बी एंड सी, तो डी पर टिक लगा लो।